वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं निजाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। ग्रीप कॉइन GRV V2 के अंदर जरूर आया है दोस्तों, बट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके बैकयार्ड में ना काफ़ी तगड़ा काम हो रहा है, काफ़ी चीज़ें जो है ये डिलीवर करने वाली। दुबई बेस ये जो है दोस्तों कॉइन है, प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम से आपको बता ही दिया दोस्तों। अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा, मैं आए दिन इसके बारे में अपडेट देता हूँ। बट अभी जो है काफ़ी बड़ी अपडेट आई है जो कि आप सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टेड है या फिर किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं तो ये कॉइन आपके लिए एक तगड़ा हिडन जेम साबित हो सकता है। वीडियो को जो है तक देखिए, आप जो चैनल पर आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल मस्त जो है फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Empowering your future with ग्रेप कॉइन, भाई ये कोई मीम कॉइन नहीं है, है ना, सीधा सिंपल सा। सबसे पहले मैं बता दूँ ये काफ़ी तगड़ा कॉइन है ग्रेप कॉइन। ऑलरेडी आप देख सकते हो इसके इकोसिस्टम के अंदर ब्लॉकचेन है, ग्रेप का स्वैप है, ग्रेप कीपर है, ग्रेप एक्स जो कि इसका एक्सचेंज रहेगा, ग्रेप कॉइन जो कि इसका स्टेबल कॉइन रहेगा जो कि बैक्ड रहेगा दोस्तों इसके खुद के कॉइन से, और साथ के साथ दोस्तों ग्रेप एक्स के ऊपर जो है ना ये लिस्टेड रहेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसका एक्सचेंज एट द हार्ट ऑफ ग्रेप कॉइन इकोसिस्टम लाई द ग्रेप ब्लॉकचेन सर्विंग एज द बेडरॉक फॉर फ्यूचर एडवर्टाइजिंग इन द डिजिटल एसेट्स। तो भाई इसके साथ साथ इसका स्वैप, ये अपने ग्रेप कीपर, ग्रेप ऐप जो इसकी एक्सचेंज है, सभी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। फिर से एक बार इसको वेबसाइट को जो ना काफ़ी अच्छा खासा बनाया, पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड किया है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ना इसके अंदर जो सबसे ख़ास बात क्या है, ये ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, इनके जो फाउंडर है, जो इनके CEO है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ट्विटर के ऊपर और हर एक चीज़ हमें मेंशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अभी ये ग्रेप का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा था, उसको कम किया, रिड्यूस किया, बिकॉज ऑफ इसको लगा कि भाई रिड्यूस करना चाहिए, हमारा फ्यूचर स्कोप जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो है आई थिंक सप्लाई होना चाहिए। उसके साथ साथ रेट भी इसका काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ, हालांकि अभी काफ़ी डंप में $1.5 का ये प्रोजेक्ट था दोस्तों, और मैंने कहा था डंप होगा। आज हालांकि 5% से ये पंप है, लेकिन अभी भी $0.34 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। देख लेना भाई इसको, ग्रेव ब्लॉकचेन देख सकते हो यहाँ पर, अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहे ऐड करने का। सबसे खास बात क्या है यार, ग्रेव एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर आप अपना डायरेक्टली कॉइन को लिस्ट करवा सकते हो। यहाँ पर लिस्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा जो कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है अपने प्लान के बारे में, अपने कॉइन के बारे में। देन अगर समझ में आता है ग्रेवैक्स को तो यहाँ पर ये आपके कॉइन को लिस्ट भी करवा सकता है अपने एक्सचेंज के ऊपर, जो कि एक तगड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिविजुअली लोगों के लिए एक अच्छा स्कोप खोला है। जहाँ दोस्तों ग्रेव कॉइन जो कि इसका स्टेबल कॉइन है, इनका ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने सभी के बारे में मेंशन किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। होल्डर जो है इथेरियम के ऊपर थोड़ा कम है, 1283, बिकॉज ऑफ इथेरियम अभी कुछ ही टाइम पहले ERC के ऊपर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है। उससे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो भैया BSC के ऊपर था, इसके ऊपर होल्डर भी काफ़ी अच्छा है, 46,316 होल्डर है ऑलरेडी, आप देख ही रहे हो। बर्निंग काफ़ी अच्छा खासा हुआ, आप देखते हो यहाँ पर तो खैर 6% दिख रहा है, लेकिन अगर ERC के ऊपर देखते तो यही आंकड़ा बढ़ जाएगा और 20% का राउंड हो जाएगा। यानी यार इतना कम सप्लाई है, आप खुद देखो यार, मिलियन के अंदर सप्लाई है उसमें भी बर्निंग हो रहा है ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो अपने आप में सोचिए इसका फ्यूचर स्कोप कितना तगड़ा होने वाला है। काफ़ी अच्छा खासा ये फ्यूचर के अंदर कर सकता है, काफ़ी चीज़ें ये डिलीवर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसको जरूर थोड़ा सा सोचिएगा। जहाँ दोस्तों नाउ ट्रेडेड ऑन द ग्रेप कॉइन ब्लॉकचेन, तो भैया JioLift यानी कि अब काफ़ी सारे कॉइन्स जो है ना GRV का जो है ब्लॉकचेन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो GRV के ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। अब हमें इंतज़ार है ग्रेव एक्स का। जी हाँ दोस्तों, ग्रेव का खुद का एक्सचेंज जिसके बारे में ऑलरेडी इन्होंने जो है यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ कि भाई कुछ इस तरह का बन चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पर फ़ोन नंबर से और ईमेल से आप यहाँ पर जो है इजीली साइन अप कर सकते हो। हालांकि अभी पूरा का पूरा लाइव नहीं हुआ, ये सिर्फ मेंशन किया कि कुछ इस तरह का रहेगा। ऊपर का सेक्शन देखो यार, मार्केट एक्सचेंज, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, IEO, फियाट, ग्रीन हाउसेस, सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब आएगा तब तो और भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
कहीं ना कहीं ग्रिप कॉइन काफ़ी अच्छा फ्यूचर को यहाँ पर फ्यूचर चेंजिंग कॉइन हो सकता है। और मुझे लगता है 1.5-2 डॉलर क्योंकि 100 मिलियन सप्लाई है उसमें भी बर्निंग हो रहा है, 99 मिलियन अभी बचा है, देखो यार सप्लाई ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, तो ये भाई 1.5-2 डॉलर तो आराम से ईजिली इसका जो है प्राइस जा सकता है। तो अच्छा मौका है यार, थोड़ा बहुत अगर एकुमुलेट करना कर लो 78%, हालांकि ये 80% पे यहाँ पर अभी डंप था, काफ़ी नीचे जा चुका था, आज थोड़ा सा यहाँ पर पंप हुआ। मैं अगर ऑल टाइम पे जाऊँ तो देख सकते हो भैया ये 29 के अराउंड था, अभी जो है 34 के अराउंड है, काफ़ी अच्छा थोड़ा सा पंप हुआ है, लेकिन अभी भी मौका अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर जरूर ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन देख सकते हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, दुबई बेस्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम आप सबको रिकमेंड किया है, तो सोच सकती हो थोड़ा सा इसके बारे में जान। तो अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो ना इसके प्रोजेक्ट के बारे में भेजिए, हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पुट करके टेलीग्राम ट्विटर मस्ट जोड़िए फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नक्शे में आज के इतना ही, गुड बाय।